तेल और सामान हम काम में लेते हैं ना, वो कहीं शायद हिंदुस्तान में कोई लेता होगा। क्या बात है, फाइव स्टार होटल वाला भी नहीं लेता होगा। अरे वाह, ऐसा क्या कौन सा खास तेल है? ऐसा तेल आप ऐसा करना, पूरा माल निकल जाए उसके बाद आप इसमें अखबार रख के पढ़ सकते हो। अच्छा, अरे इतना क्लियर है। आपके अपने पंडित जी, आज हम आए जैसलमेर में। जैसलमेर जिसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी, बंगाली में जिसे कहा जाता है सोनार किला। आज यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पंडित जी, तो आइए चलिए पंडित जी के साथ में और यहाँ के तड़के लगाते हैं। जैसलमेर में क्या क्या खाने पीने के लायक वेज आइटम्स है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं पंडित जी के साथ में। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। और पंडित जी के चैनल इंडियन देसी तड़का पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, ओके डियर, चलिए जैसलमेर की गलियों में। दोस्तों यह है पंडित जी का न्यू लुक। एक्चुअली माय फादर वॉज पास्ड अवे इन जनवरी 11, पिताजी शांत हुए तो पंडित जी की मूछें और पंडित जी के बाल उनके साथ ही गए हैं। ये पंडित जी का नया लुक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा। और आपको खिलाने जा रहे हैं यहाँ के सोहन बा, सोहन काका की कचौड़ी और यहाँ का फेमस ब्रेड पकोड़ा। तो आइए चलते हैं, खाते हैं और यहाँ पर लोगों से रिव्यू भी लेते हैं यहाँ का कचौड़ी और यहाँ का ब्रेड पकोड़ा कैसा है। ये लोकेशन आपको बताता हूँ, जैसलमेर के किले में जहाँ एंट्री करते हैं गणेश फॉल, उसके जस्ट पास में है भांग का ठेका और गोपा चौक इस जगह को कहा जाता है। गोपा चौक के एकदम कॉर्नर में ये खड़े होते हैं यहाँ पर फतेह काका कचौड़ी वाले। तो कचौड़ी वाकई लाजवाब है, पंडित जी खाने जा रहे हैं, खिलाने जा रहे हैं और मस्ती लेने जा रहे हैं। इसके साथ में सामने यहाँ पर दाल पकवान भी होता है, तो दाल पकवान का भी तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं तड़का कचौड़ी का और ब्रेड पकौड़े का। आप क्या क्या बनाते हैं? कचौड़ी है, कचौड़ी ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा, ओके। और गर्मी में बनती है घी की कचौड़ी। क्या? होली से दिवाली तक। अच्छा, कब से कब तक? होली से दिवाली तक। होली से, अच्छा, 6 महीने लगभग? 8 महीने, 8.5 महीने बनती है। अरे वाह, क्या बात है। वो देसी घी में? देसी घी में, प्योर। उसकी रेट क्या होती है? 15 रुपए सर। उसकी भी 15 और इसकी भी? इसकी 10 रुपए सर। 10 रुपए, ओके ओके सर, थैंक यू। और टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सर्दी में रहती है 9 से 1.5 बजे तक और गर्मी में 7:30 से 12:30। लेकिन सब लोग अपने अपने कचौरी का इंतजार है, कचौरी के वेट में खड़े हैं। जो तेल और सामान हम काम में लेते हैं ना, वो कहीं शायद हिंदुस्तान में कोई लेता होगा। क्या बात है, फाइव स्टार होटल वाला भी नहीं लेता होगा। अरे वाह, ऐसा तेल आप ऐसा करना, पूरा माल निकल जाए उसके बाद आप इसमें अखबार रख के पढ़ सकते हो। अच्छा, इतना क्लियर है। सो गाइस, सर बता रहे हैं यहाँ का जो तेल ये जो काम में लेते हैं कचौरी में और मिर्ची बड़े में, ये वाकई में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, पंकज वाला तेल है, मूंगफली का तेल। अब पंडित जी खाते हैं और आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। वेल, ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ कचौरी में जो कड़कपन है, जो स्ट्रेंथ है, काफ़ी तेज है। अगर आपको खाना है, तोड़ना है, तो आपको पूरा इसके ऊपर जोर लगाना पड़ता है। पंडित जी ने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और अब पंडित जी के मुंह में जा रहा है और बताता हूँ इसके स्वाद के बारे में। जो क्रिस्पीनेस है इसकी, वाकई में लाजवाब है। और मिर्च मसाले आपकी खिड़कियां खोलने वाले हैं। इसमें मिर्ची ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, फिर उसके बावजूद भी ये हरी मिर्ची देते हैं जो राजस्थान का एक प्रतीक है। हम लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं और पंडित जी ने देखिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन टुकड़े मिर्ची वाले तीनों ने एक साथ ले लिए हैं।
क्या बात है, रियली बहुत ही स्वादिष्ट। और मन ऐसा करता है एक कचौरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और चौथी के बाद पांचवी लगाते ही जाएं। पास में भांग की शॉप भी है, अगर आप भांग के शौकीन हैं। वैसे आपको बताऊं, यहाँ पर फॉरेनर जितने भी आते हैं वो यहाँ की भांग ज़रूर पीते हैं, और उसके साथ में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भांग की शॉप पर भी ज़रूर जाइएगा, आपको एक शॉट ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ का। फिलहाल हम खा रहे हैं कचौरी। आपको उज्जैन? हाँ जैन। कितने डाल दूँ मिर्ची वाला? हाँ चटनी चलिए। कितनी पुदीने का है? पुदीना मिर्ची और डालूँ? डाल दो डाल दो। तो दोस्तों मेरे हाथ में आ चुका है ब्रेड पकोड़ा, और इसमें काफ़ी सारी फीलिंग्स देखिए। अगेन मिर्ची खूब सारी डली हुई है, चटनियाँ डली हुई है। पंडित जी खाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं यहाँ का स्वाद भी। जाने दो, ये लो। वाकई धनिया की और पुदीने की जो चटनी है ना, वो इसके स्वाद में चार चांद लगाती है। खाने भी में मुझे काफ़ी लाइट लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है। रियली नाइस। सर आपको क्या खा रहे हैं? आपको ब्रेड पकौड़ा या कचौरी? ब्रेड पकौड़ा सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मज़ा आया? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत दूर से नाम सुन के आए थे, पुष्कर से आए, पुष्कर से। अरे आप तो कचौरी वाले ही हो यार। हरीश भैया बताइए यहाँ की कचौरी और यहाँ के मिर्ची बड़े की खासियत बताइए। यहाँ के जो मिर्ची बड़े हैं वो प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में लोग जो होते हैं। तो मुझे यहाँ पर मालूम चला यहाँ के जो लोकल जैसलमेर के लोग होते हैं ना, दे कम्स डायरेक्टली हियर, वो खुद यहाँ पर जो भी उनको चाहिए, चाहे कचौरी चाहिए, चाहे ब्रेड पकौड़ा चाहिए, अपने खुद के हाथों से लेते हैं, चटनी खुद के हाथों से डालते हैं, प्याज अगर वो इंटरेस्टेड है तो प्याज भी अपने हाथ से डालते हैं। सर आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जी। देखिए अभिनंदन स्टाइल वाली मुझे सर ने बना रखी है। सर कैसी लगी आपको इनकी कचौरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तक खाई नहीं, इतना बढ़िया आज तक नहीं खाई। बहुत ही स्वादिष्ट है और आसानी से टूटती है। आप पहली बार आए यहाँ पर? पहली बार आया हूँ। किले में मुझे पता चला था इनके नाम का, ढूंढते हुआ यहाँ तक आया। पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। मिर्ची खूब खाते हैं भाई साहब? बहुत। हाँ महाराष्ट्रीय आदमी है तो मिर्ची खाने वाले हैं। राजस्थानी तो। बेटा इधर कैसा लगा आपको? अच्छा है, बढ़िया है, मजा आ गया। मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। और खाएंगे। इस कचौड़ी की खासियत है, इसको खाने के बाद में यूँ नहीं लगता कि आपको गैस होगी कि क्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ प्योरिटी यूज होती है यहाँ पे, हर एक चीज़ क्वालिटी वाइज होगी, क्वालिटी की हींग होगी, क्वालिटी का ऑयल यूज होता है, और दाल वगैरह, और ये खुद बाजार सामान जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए, सब्जी भी और चटनी ये खुद बनाते हैं सुबह। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, और पंडित जी के इंडिया देसी तड़का पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।